डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू सी कंप्यूटिंग ऑफ इंडेक्स वेरिएबल इन एस पी एस एस वट इज अंड इज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग अ कंपोजिट स्कोर ऑफ अ स्केल यूज टू मैयर अ पर्टिकुलर वेरिएबल जब हम वेरिएबल को कंसेपच्चुअलाइजेशन के बाद ऑपरेशनलाइज करते हैं तो उसके लिए हम कोई स्केल यूज करते हैं और जब हम स्केल यूज करते हैं तो हम उस स्केल में डिफरेंट आइटम्स यूज करते हैं और उ, उन डिफरेंट आइटम्स पे रिस्पोंडेंट जो है वो रिस्पोंड करते हैं और हर आइटम पे वो क्लिक करके अपना एक रिस्पॉन्स देते हैं तो ये सेपरेट आइटम पे वो रिस्पॉन्स देते हैं तो उन सेपरेट आइटम्स को हम जब जॉइंटली कंप्यूट करते हैं टू तो मेक अ कंपोजिट स्कोर तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग जो है वो स्केल के आ, साथ उसका मेथड दिया गया होता है कि एक स्केल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर ऑफ इंडेक्सिंग क्या होगा तो इसके डिफरेंट थ्योरीज हैं डिफरेंट मैथड्स हैं जिसको हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे इसका जो सिंपल मैथड है उसको कहते हैं सिंपल इंडेक्सिंग सिंपल इंडेक्स वेरिएबल इज़ द कम्पोजिट स्कोर अटेंड आफ्टर एडिंग ऑल द स्केल आइटम अगर हम तमाम स्केल आइटम्स के स्कोर्स को जमा कर लें तो आप उसको सिंपल इंडेक्स कहेंगे इसका प्रोसीजर क्या है इसके प्रोसीजर के लिए हम एस पी एस एस में ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन को यूज करते हैं और ट्रांसफॉर्म पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें कंप्यूट वेरिएबल का टैब जो है उसको आप क्लिक करेंगे और आपके पास ये विंडो खुल जाएगी इस विंडो के खुलने के बाद आपने जो आपका स्केल है उसकी तमाम आइटम्स को वन बाय वन सेलेक्ट करना है जैसे कि यहाँ पे फेयर ऑफ कोरोना वायरस की सेवन आइटम्स दी हुई है वो आपने तमाम सेलेक्ट करनी है और उनको सेलेक्ट करके यहाँ पर प्लस के साइन के साथ एक इक्वेशन लिखनी है इक्वल का साइन यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है इसलिए आपने सिर्फ वेरिएबल uh, नेम लिखना है और उसमें प्लस का साइन ऐड करना है और टारगेट वेरिएबल का आपने नेम देना है एफ सी वी नाइनटीन एस आप इसको कोई भी यूनिक एक नेम दे सकते हैं और उसके बाद आप जो है उसका uh, यहाँ पे क्लिक करने के बाद उस वेरिएबल का लेबल भी करेंगे जैसे आपने इसको लेबल किया है फियर ऑफ कोरोना वायरस उसको लेबल करने के बाद आप कंटिन्यू के टैप पे क्लिक करेंगे टैप पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी कमांड और आपके पास एक इस तरह नया वेरिएबल बनकर आ जाएगा जो कि एक्चुअली सारा जो स्कोर है सेवन आइटम्स का वो एड इन हो जाएगा तो ये एक सिंपल इंडेक्सिंग है अब सिंपल इंडेक्सिंग में एक चीज़ है स्टैंडर्डाइज इंडेक्सिंग वो देखते हैं कि क्या है अगर आप चाहते हैं कि ये जो कंप्यूटेड स्कोर है इसकी हम एवरेज ले लें तो इसको हम स्टैंडर्डाइज इंडेक्सिंग कहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे हम जो हमारा कंपोजिट स्कोर है वो उसको हासिल करने के लिए हम पेंथसिस लगाएंगे टोटल वैल्यू के साथ और इसको डिवाइड करेंगे जितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं हमारे केस में नंबर ऑफ आइटम सेवन है तो हम इसको सात के साथ डिवाइड करेंगे और यहाँ पर उसका अपना एक नेम यूनिक कर देंगे क्योंकि डेटा सेट में एफ सी वी नाइनटीन एस जो है वो तो सिंपल इंडेक्स स्कोर बन गया हुआ तो इसको हम एफ सी वी नाइनटीन स्टैंडर्ड का नाम दे देते हैं और जब हम इसको कंप्यूट करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे तो वही स्कोर जो पहले आपके पास इस शेप में नज़र आ रहा था अब वो इस शेप में आ गया कि अब उसमें उसका एवरेज आ गई है इस स्कोर की तो ये दोनों मेथड ठीक है ये डिपेंड करता है जो रिसर्चर है उसके ऊपर और उस स्केल के यूटिलाइजेशन पे कि रिसर्चर उस स्केल को कैसे यूज़ करते हैं तो उसकी बेसिस पे आप इसमें से कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं